वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, जैस्मिन भसीन बुरी तरह से फंस गई। जैस्मिन भसीन अपने ही बिछाए गए मायाजाल में इस कदर फंस गई हैं कि अब उनका सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। हम आपको बता दें दोस्तों, जैस्मिन भसीन और राखी सावंत के बीच में बहुत बड़ी फाइट आप सभी दर्शकों को देखने को मिली बीते एपिसोड में, एक मामूली बात को लेकर, कॉफी को लेकर। इसके बाद जैस्मिन भसीन जो है राखी सावंत का मजाक बनाती हैं और साथ ही साथ ये कहती हैं, जब राखी सावंत रो रही होती हैं, राखी सावंत ये कह रही होती हैं कि जैस्मिन भसीन ने मेरा नाक तोड़ दिया, जैस्मिन भसीन ने मेरी नाक के जो नोस है होती है उसकी जो हड्डी होती है उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। हालांकि इसके तह तक जब हम गए और साथ ही साथ इस बारे में पता लगाने की कोशिश जब हमने किया, तब हमने ये पाया कि जिस फोम से इंजर्ड करने की बात कर रही हैं राखी सावंत, उस फोम में एक प्लास्टिक का नाक लगा हुआ था और उस नाक से ही, उस प्लास्टिक के नाक से राखी सावंत का जो नाक है वो टकरा गया और साथ ही साथ इसी वजह से राखी सावंत जो है पूरी तरह से इंजर्ड हो गई। हालांकि जैस्मिन भसीन ने ये सोच के किया या फिर नहीं सोच के किया, ये दूसरी बात है दोस्तों, ये हम आपको दूसरी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन जैस्मिन भसीन ने सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये की कि राखी सावंत रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जैस्मिन भसीन को ये लग रहा था कि ये सब चीज़ें नाटक है, ये सब चीज़ें कैमरा के लिए है, ये सब चीज़ें जो है एक ढोंग का हिस्सा है। हालांकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैस्मिन भसीन ये सब चीजें करके अपने ही बिछाए गए मायाजाल में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। अब हम आपको बता दें कि वो कैसे, तो हम आपको बता दें कि जब नॉमिनेशन से जुड़ा हुआ एक कार्य हो रहा था बहुत पहले, जिसमें जैस्मिन भसीन ने अपना कुचुपू यानी कि अपने डॉल को सेक्रीफाइस किया था, डॉल को सेक्रीफाइस करते हुए पूरा घर जो है जैस्मिन भसीन ने अपने सर जो है वो उठा लिया था। और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरी तरह से उठाकर वो इस कदर रो रही थी जैसे कि उनका कोई अपना ही जा रहा हो, अपने को वो सेक्रीफाइस कर रही हो। और साथ ही साथ उसका भी काफ़ी ज़्यादा मजाक बना था। अगर वो गलत है या फिर वो सच्चाई है तो फिर ये राखी सावंत के साथ ये फिर क्या है। अगर वो सच्चाई उसमें, उस बात में थोड़ी बहुत भी अगर सच्चाई होती तो यहां पर मजाक नहीं बनाती जैस्मिन भसीन राखी सावंत का। और साथ ही साथ राखी सावंत से पूछती कि आपको कहां लगी है चोट और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राखी सावंत से जैस्मिन भसीन जरूर पूछती। तो यहां पर जैस्मिन भसीन पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत दिख रही है कैमरा में और साथ ही साथ इसी वजह से उनकी काफी ज्यादा निंदा भी हो रही है और इस कदर जैस्मिन भसीन अपने ही बिछाए गए मायाजाल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा जैस्मिन भसीन को।